अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो अच्छा भाई, ये सेट लेके आया हूँ मैं आज आपके लिए। ये 13 इंच का सेट है और इसको आप फ्रंट पे भी लगा सकते हो और सीट के साथ भी लगा सकते हो। तो ये बच्चों के लिए होता है स्पेशली, लेकिन आप अगर चाहो तो फ्रंट पे भी ये लग सकता है। तो आप देख सकते हैं ये सेट, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये वीडियो का ऑप्शन है, फिर म्यूज़िक गैलरी है, एप्लीकेशन है, और ये नीचे ब्राउज़र आ जाता है, ये AV का ऑप्शन आ जाता है। AV के ज़रिए आप किसी और से, मतलब फ्रंट पे अगर आपकी LCD लगी हुई है और ये आप सीट के साथ लगाना चाहते हो तो उसकी वीडियोस भी दे सकते हो। ये फाइल मैनेजर आ जाता है और ये कार आपकी ऑप्शन है मोबाइल कनेक्ट करने की। ठीक है, तो मोबाइल कैसे कनेक्ट होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये नीचे बटन आ जाते हैं, इससे बटन आपके रिमूव हो जाएंगे, तो ऐसे करने से फिर शो हो जाएंगे। ये बैक का बटन है, ये आपका ये जो भी है, ये जो ओपन करोगे आप, ये उसको रिमूव करने के लिए। ये सेटिंग आ जाती है, तो यहाँ से आप उसके वॉल्यूम, यहाँ से ब्राइटनेस ज़्यादा और कम कर सकते हो। ये FM का आ जाता है, FM आप अगर गाड़ी के आगे फ्रंट पे रेडियो ऑन करोगे, सेम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दोगे, तो आवाज़ आपके जिसका जो साउंड होगा वो गाड़ी के स्पीकर में भी आएगा। FM का ये सिस्टम होता है, तो यहाँ से आप इसकी स्क्रीन ऑफ ऑन कर सकते हो। तो ये एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो अभी आपके सामने म्यूज़िक आ गया। सबसे पहले म्यूज़िक आपको पता ही है, आप USB लगाओगे, मेमोरी कार्ड लगाओगे, उसमें जो भी म्यूज़िक होगा ऑडियो वो इसमें प्ले होगा। ठीक है, ये वीडियो आ जाता है, वीडियो का भी यही सिस्टम होता है, जो भी उसमें वीडियो होगी वो इसमें प्ले होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि ये 4K सपोर्टेड है। ठीक है, ये 4 अल्ट्रा HD है, 4K वीडियो सपोर्टेड है, 4K वीडियो ये प्ले करता है। ये सेटिंग आ जाती है, चलो सेटिंग में आपको बताता हूँ। सबसे पहले नेटवर्क वाईफाई आ की सिस्टम आ गया, फिर ब्लूटूथ आ जाता है, फिर इसके डिस्प्ले आ जाता है। तो डिस्प्ले के बाद ये इसकी लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हो, ये आप ये जो लाइट वगैरह है इसका कलर चेंज कर सकते हो। ये देखो जो नीचे लाइट है, इसके बाद ये टाइम सेट कर सकते हो। ये एप्लीकेशन वगैरह आ गई है आपकी, ये स्टोरेज आ गई है, तो इसकी 32 GB इसकी स्टोरेज है। ठीक है, अकाउंट ऐड कर सकते हो, गूगल अकाउंट। इसके बाद ये नीचे सिस्टम में जा सकते हो, यहाँ से रिबूट कर सकते हो, ये रीसेट वगैरह का ऑप्शन आ जाता है। गैलरी से कोई लोगो पे पिक्चर भी ऐड कर सकते हो। तो क्विक सेटिंग में जाते हैं, क्विक सेटिंग में भी वही सेटिंग आ रही है जो यहाँ से आ रही थी, ये वॉल्यूम की और ये इसकी ब्राइटनेस की और ये नीचे FM की। फैक्ट्री मोड पे चले जाते हैं, यहाँ से आप वॉल्यूम को डिसेबल कर सकते हो और इसको रीसेट कर सकते हो। अबाउट डिवाइस में जाते हैं, तो 4 GB इसकी रैम है, 32 GB इसकी मेमोरी है और एंड्रॉयड वर्जन 13 है। ठीक है, ये इसकी सेटिंग है। तो चलो अभी मैं आपको इसकी और जो ऑप्शन है वो बता देता हूँ। ये गैलरी आ जाती है, उसके बाद ब्राउज़र है, फाइल मैनेजर है, सेम AV है, और ये जो है कार की जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपको बताऊंगा, चलो अभी बता देता हूँ कैसे कनेक्ट होता है। आप खुद इसकी वीडियो चेक करके आपको पता चल जाएगा। तो ये ओपन करना है आपने सबसे पहले, चलो मैं वीडियो प्ले करता हूँ, आप वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा कैसे ओपन होता है। इसकी आवाज़ क्लोज है, मैं आवाज़ ओपन कर देता हूँ। ठीक है, चलो मेरे घर में स्पीकर नहीं है एरे, जिसकी वजह से साउंड नहीं आ रहा है, तो ये आप देख सकते हैं।
एप्पल एयरप्ले स्क्रीन मिरर के ज़रिए आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, हॉटस्पॉट कनेक्ट करके इसको आप आराम से कनेक्शन कर सकते हो। मोबाइल से जो वीडियो प्ले करोगे वो इसमें आएगा। सबसे पहले आपने हॉटस्पॉट ऑन करना है, फिर एप्पल जो होता है मोबाइल का, ये फोन ऐसे इस जहाँ से इसका कार प्ले की ऑप्शन आ जाती है स्क्रीन मिरर की, वहाँ से कनेक्ट करना है। और एंड्रॉयड में भी सेम ऑप्शन मौजूद है, तो फिर आपकी को जो भी वीडियो होगी मोबाइल पे प्ले करोगे उसमें आएगी। ठीक है, तो अभी इसके बाद जो है ये ऑप्शन था, ये सेम FM की आ गई है, ये नेटफ्लिक्स आ गया आपके पास, प्ले स्टोर है, ये किबल है, और ये स्पॉटिफाई की एप्लीकेशन है, और ये यूट्यूब है। ठीक है, तो चलो मैं नेक्स्ट कनेक्ट करता हूँ यूट्यूब के लिए, चेक करते हैं कि इसका जो क्या कहते हैं पिक्चर क्वालिटी का रिजल्ट कैसा है। तो मैंने अभी वाईफाई मोबाइल से ऑन की है, तो चलो आपको दिखाता हूँ कि ये 4K सपोर्टेड है या नहीं। ये सेटिंग में जाते हैं, वाईफाई कनेक्शन करते हैं, यहाँ से अभी वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको पासवर्ड दिया हुआ है, तो ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो अभी इसका मैं आवाज़ बिल्कुल क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मसला हो जाता है अगर आवाज़ से कॉपीराइट का, कोई भी मैं सॉन्ग प्ले करूँगा तो फिर कॉपीराइट का मसला हो जाएगा। तो ये इसका यूट्यूब ओपन हो गया। ठीक है, तो ये एक सॉन्ग है, सबसे पहले चलो इसको चेक करते हैं। तो स्क्रीन में इसकी जान से फुल कर देता हूँ, स्क्रीन मैंने फुल कर दी है। ठीक है, स्किप कर देते हैं यहाँ से। तो अभी इस वीडियो को मैं 4K पे कर रहा हूँ, तो जो 4K सपोर्टेड जो भी होगा आप क्वालिटी में जाएंगे तो ये आपके सामने है। ये 4K सपोर्टेड अगर नहीं होता तो ये आपके सामने के सपोर्टेड नहीं होता है, तो वो 4K वीडियो प्ले नहीं करता है, 4K का उस पर ऑप्शन ही नहीं आता है वीडियो का। चलो ये इस बारे में थोड़ी सी मालूमात देनी थी। चलो वीडियो को लाइक करने का, भाई आप मेरे चैनल पे आते हो वीडियो को लाइक करते हो, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी अगर भी किसी भाई को ये बाय करना है या चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे, तो कोई मसला नहीं है, ये आपको मिल जाएगा। एंड्रॉयड वर्जन लेटेस्ट है, 4 GB रैम है, 32 GB इसकी मेमोरी है।